और अब खबरें विस्तार से। यूपी के जरिए दिल्ली की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए चुनावी प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्नौज में एसपी बीएसपी सहित पूरे विपक्ष पर करारा हमला बोला। मोदी ने कहा कि इनका तो यही सपना जात पात जपना और जनता का माल अपना, 2014 के पहले इनका धंधा ही लूट गया था। प्रधानमंत्री चुनाव के लिए प्रचार का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। बीजेपी के लिए प्रचार का जिम्मा मोदी ने अपने कंधों पर उठा रखा है। यही वजह है कि पीएम मोदी हर दिन चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। आज मोदी चुनावी प्रचार के लिए कन्नौज पहुंचे। यहां वे सपा बसपा गठबंधन और विपक्ष पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बाबा साहब का अपमान करने वालों को बहन जी गले लगा रही है। इनकी यही सच्चाई है, ये कुर्सी के लिए और अपने स्वार्थ के लिए अपमान भी कुर्सी के नीचे छिपा लेते हैं और कुर्सी पर चिपक जाते हैं। इनका तो यही है सपना, जात पात जपना, जनता का माल अपना। जाति पर हमें बोल रही हो, और देख लीजिए भाई, नमक कितना ही कम क्यों ना हो, बहुत छोटी जगह होती है, लेकिन खाने में जब नमक आ जाता है ना, तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। और नमक भले इतना ही क्यों ना हो, लेकिन जब खाने में नहीं होता है तो बढ़िया से बढ़िया खाना भी मन नहीं करता है। अरे ये मोदी तो, वो तो ऐसी पिछड़ी अति पिछड़ी जाति का है, नमक का काम कर रहा है ताकि इस देश के हर गरीब का खाना स्वादिष्ट बने, इसलिए काम कर रहा है। कृपा करके मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये जाति की राजनीति में मुझे मत घसी। वही कांग्रेस पर बरसते हुए मोदी ने कहा कि हमारे देश में ऐसे बुद्धिमान और तेजस्वी लोग हैं जो आलू से सोना बनाते हैं, वो काम हम नहीं कर सकते, ना मेरी पार्टी कर सकती। जिसको आलू से सोना बनाना है वो उनके पास जाए, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम तो कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, आलू का वैल्यू एडिशन बढ़ाएंगे और आलू से चिप्स बनवा सकते हैं और किसानों की आय दोगुना करने के प्रयास लगातार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने रैली में आई भीड़ को लेकर कहा, परसों काशी वालों ने अवसरवादियों महामिलावटियों के होश उड़ा दिए और आज आपने उनका हाल बेहाल कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि सब विजय डंका बजाने यहाँ आए हैं। आज मोदी का प्रचार वो बहन कर रही है जिसने पूरी जिंदगी चूल्हे के धुएं में निकाल दी और उसे उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन मिला। मोदी का प्रचार वो बेटी कर रही है जिसके घर शौचालय बना और उसे इज्जत वाला घर मिल गया। आज मोदी का प्रचार वो किसान कर रहे हैं जिन्हें पीएम किसान योजना से मदद राशि मिली। बता दें कि कन्नौज सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद है। सपा ने इस बार भी डिंपल को मैदान में उतारा है। इस बार वे सपा बसपा रालोद के गठबंधन की प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उनके सामने सुब्रत पाठक को टिकट दिया था, तब उन्हें करीबी मुकाबले में हार मिली थी। बीजेपी ने डिंपल को चुनौती देने के लिए सुब्रत पाठक पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पिछली बार की तरह डिंपल यादव बीजेपी को करारी शिकस्त देने में कामयाब होगी या फिर सपा बसपा गठबंधन के चलते बीजेपी को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ेगी। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो मोदी कन्नौज में रैली के दौरान सपा और बसपा पर जमकर बरसे। उनके इस दौरे से पहले सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन पर तंज कसते हुए कहा था, विकास पूछ रहा है, पता चला क्या प्रधान बंदी जी कन्नौज आ रहे हैं। कन्नौज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे। आतंकवाद के मुद्दे पर मोदी ने पूछा कि आतंकवाद से देश की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं। मोदी ने पूछा, सपा बसपा वाले एक बार भी आतंकवाद पर बोले क्या। मोदी ने पूछा, इतनी गाली मोदी को दी गई, लेकिन आतंकवाद को एक भी गाली दी क्या। मोदी ने सवाल उठाया, क्या सपा बसपा वाले आतंकवादियों से डरते हैं या उनको बचाने के लिए चुप बैठे हैं। मोदी के दौरे से पहले अखिलेश यादव ने मोदी पर ट्वीट कर तंज कसा था। अखिलेश यादव ने उनके कन्नौज दौरे पर तंज कसते हुए पूछा था, विकास पूछ रहा है, पता चला क्या प्रधान बंदी जी कन्नौज आ रहे हैं। देश में नोटबंदी, प्रदेश में काम बंदी, कन्नौज में बनते हुए परफ्यूम पार्क और आलू की मंडी की बंदी और लैंड करते समय आग की बंदी,
जिससे कि कहीं एक्सप्रेस वे ना दिख जाए। स्वागत व आग्रह सौहार्द की सुगंध बंद ना करे। वही कन्नौज रैली के दौरान जब मोदी ने मायावती के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था मोदी अपने स्वार्थ के लिए खुद को पिछड़ी जाति का बता रहे हैं, तो पीएम ने कहा मेरी जाति तो इतनी छोटी है कि गांव में एक आधा घर भी नहीं होता। मैं तो पिछड़ा नहीं अति पिछड़े में पैदा हुआ हूँ। आप मेरे मुँह से बुलवा रही हो इसलिए बोल रहा हूँ। जब मेरा देश पिछड़ा है तो अगड़ा क्या होता है? मुझे तो पूरे देश को अगड़ा बनाना है। उनके इस बयान पर अखिलेश ने भी तंज कसा। अखिलेश ने कहा जब मायावती जी का अपमान हुआ तब आप खामोश थे। जब मुख्यमंत्री बोले कि संविधान ना होता तो मैं भैंस चराता तब आप खामोश थे। जब महागठबंधन को कीड़े मकोड़े कहा गया आप खामोश थे। मैं हमेशा धर्म जाति और वर्ग से बात करता आया हूँ। ये लड़ाई उनके खिलाफ है जो आज भी इन मुद्दों पर राजनीति करते हैं। आपको बता दें मोदी के कन्नौज दौरे से एक दिन पहले अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने कन्नौज में रैली को संबोधित किया था। इस दौरान मायावती भी डिंपल के लिए वोट मांगने के लिए कन्नौज पहुंची थी। रैली के शुरू में ही डिंपल यादव ने मंच पर मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया और मायावती ने कहा था ये मेरी बहू है। आपको बता दें कन्नौज का राजनीतिक इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है। 1989 से मुलायम सिंह यादव का गढ़ कन्नौज सीट रही है। 1998 में एक बार फिर बीजेपी के कब्जे में ये सीट आई थी। सपा परिवार के तीन बड़े चेहरे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और डिंपल यादव यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। इस सीट ने कभी किसी को निराश नहीं किया। 2014 में बीजेपी इस किले में पूरी ताकत लगाने के बाद भी फतह नहीं कर पाई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव कन्नौज सीट पर 19,907 वोटों से जीत गई थी। डिंपल यादव को 4,89,164 वोट मिले थे जबकि बीजेपी के सुब्रत पाठक को 4,69,257 वोट मिले थे। डिंपल यादव बहुत ही कम अंतर से जीत पाई थी। बीजेपी ने एक बार फिर सुब्रत पाठक पर दाव लगाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी इस सीट पर कब्जा कर पाएगी या नहीं, या एक बार फिर कन्नौज पर बीजेपी को सपा से हार का सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। यूपी के हरदोई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसपी और बीएसपी पर जबरदस्त हमला बोला। मोदी ने मुख्य रूप से बीएसपी सुप्रीमो मायावती को निशाने पर लिया। एसपी की तरफ इशारा करते हुए पीएम मोदी ने कहा पहले जो लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भू माफिया कहते थे कुर्सी की खातिर आज मायावती उन्हीं लोगों के लिए वोट मांग रही है। बाबा साहब के लिए बहन जी के मन में कितना सम्मान रहा है इसकी सच्चाई भी आज यहां खोलना चाहता हूं। ये खोलना जरूरी है ताकि ये कैसे दोगले लोग हैं ये आपको फिर से याद आना चाहिए। आज मोदी को हटाने के नाम पर ये बहन जी किसको जाकर के मिली है? बहन जी आज किसके लिए वोट मांग रही है? भाई और बहनों, जो लोग बाबा साहब का अपमान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे अब बहन जी के लिए माननीय और सम्माननीय हो गए हैं। हमारे लिए सबका साथ सबका विकास ये मंत्र है और सबको सुरक्षा सबको सम्मान ये हमारी प्रतिबद्धता है। साथियों, आपके इस चौकीदार ने देश के हर वर्ग हर क्षेत्र के लिए समान रूप से काम किया है। गरीब हो, बहन बेटियां हो, दलित हो, वंचित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। चाहे गरीबों को मिल रहे घर हो, मुफ्त में मिल रहा गैस कनेक्शन हो, मुफ्त में बिजली कनेक्शन हो, माताओं बहनों को मिले इज्जत घर हो, सबको दे रहे हैं हम।
राहुल गांधी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने सिर्फ देश को बेरोजगार करने का काम किया है, मोदी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोदी के सभी वायदे हवा हवाई साबित हुए हैं। 5 साल झूठ बोला है, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज यूपी का हर युवा जानता है, समझता है। अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी 2 करोड़ युवाओं को बात नहीं करते, किसान आत्महत्या कर रहे हैं पूरा देश जानता है, हर किसान जानता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हमने वायदा किया था, 2 दिन के अंदर पूरा किया। नरेंद्र मोदी जी ने किसान का कर्जा माफ नहीं किया, पहले थोड़े से सही दाम मिलेगा, ठीक है। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने की बात की, चौकीदार ने 1 पैसा नहीं डाला। हम आपसे कह रहे हैं कि 3,60,000 रुपए, 3,60,000 रुपए 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में, 25 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाने वाला है। अब आप नरेंद्र मोदी जी के भाषण सुनिए, ना रोजगार की बात करेंगे, ना किसानों की बात करेंगे, ना 15 लाख की बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जी को अब बोलने का कुछ नहीं रहा, नीचे चला गया। टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर लगा रहता है, पीछे से कंट्रोलर है, कंट्रोलर कहता है नरेंद्र मोदी जी देखिए रोजगार की बात मत कीजिए, नरेंद्र मोदी 15 लाख की बात मत कीजिए, जनता गुस्सा हो जाती है, नरेंद्र मोदी जी किसानों की बात करिए मत, फंस जाएंगे। कंट्रोलर पीछे से कंट्रोल करता है, नरेंद्र मोदी बोलते हैं। अब भैया वक्त बदलने वाला है, नरेंद्र मोदी जी हारने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज बाराबंकी पहुंची, जहां उन्होंने उन्नाव से कांग्रेस की उम्मीदवार अनु टंडन के लिए रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान, मजदूर, युवा सभी को परेशान किया है, सरकार ने पिछले 5 साल में इनके लिए कुछ नहीं किया। कल भी उत्तर प्रदेश की मुझे महासचिव बनाया, मुझे तब से मैं प्रदेश का दौरा कर रही हूँ। मैं बदौल गई हूँ, वाराणसी गई हूँ, बाराबंकी आई हूँ, फैजाबाद गई हूँ, अमेठी, रायबरेली गई हूँ, जगह जगह गई हूँ। जहां जहां मैं गई हूँ, जिससे भी मैं मिली हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि इन 5 सालों में उन्हें बहुत दुख, पीड़ा और संघर्ष करना पड़ा है और दुख और पीड़ा सहनी पड़ी है। जहां जहां मैं किसानों से मिली हूं, उन्होंने मुझे बताया है कि कर्ज में डूब रहे हैं। आलू के किसानों ने बताया कि आलू के बीज का दाम उनकी उपज के दाम से ज्यादा है, बीज और खाद समय पे नहीं मिलता, कोल्ड स्टोरेज के लिए भी मुसीबत है, दाम ज्यादा है, जगह कम है। तमाम दुखों और मुसीबतों से उन पर बोझ लगा हुआ है और सरकार की तरफ से कोई समर्थन नहीं मिला। इसी तरह से जब मैं नौजवानों से मिलती हूँ तो नौजवान मुझे बताते हैं कि उनके पास रोजगार नहीं है, सरकार ने पिछले 5 सालों में उनके लिए कोई रोजगार, उनके पास आपके लिए पैसे नहीं है, गरीबों के लिए पैसे नहीं है, किसानों के लिए पैसे नहीं है, आपकी समस्याओं को हल करने का समय नहीं है, आपकी जरूरतों को पूरा करने का समय नहीं है। लेकिन उद्योगपतियों, बड़े बड़े गिने चुने उद्योगपतियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए पूरा समय है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री के बहुत इंटरव्यू आ रहे हैं टीवी पे, कभी वो अभिनेता के साथ बैठते हैं अपने शानदार बगीचे में, कभी गंगा के तट पर बातचीत करते हैं, कभी आपने उनको किसी गरीब के घर में जाते हुए देखा है, देखा है कि नहीं? शत्रुघ्न सिन्हा इन दिनों अपने विरोधियों पर जमकर हमला बोल रहे हैं और उनके बोलने के अंदाज से विरोधी भी खामोश हो चुके हैं, लेकिन इस बार शत्रुघ्न सिन्हा अपने ही बयान में फंसते हुए नजर आ रहे हैं।
उनके इस बयान ने कांग्रेस को ही खामोश कर दिया है और कांग्रेस खामोश दिख भी रही है क्योंकि सिन्हा ने जो बयान दिया है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। क्या है पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले शत्रुघ्न सिन्हा इन दिनों जमकर बोल रहे हैं और अपने सभी भाषणों में वो मोदी और शाह का निशाना साध रहे हैं और अपने बोलने के अंदाज से विरोधियों को खामोश करने की भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार शत्रुघ्न सिन्हा अपने ही बयान में फंसते नजर आ रहे हैं और उनके बयान से कांग्रेस ही खामोश दिख रही है क्योंकि सिन्हा ने जो बयान दिया वो पाकिस्तान से जुड़ा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ की और जिन्ना को कांग्रेस परिवार का सदस्य तक बता दिया। मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर स्वर्गीय इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी से लेकर पहले भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनकी पार्टी है जिनका देश के विकास में देश की तरक्की में देश की आजादी में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा योगदान हुआ इसलिए हम यहाँ आए। यहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के लिए प्रचार के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया। हालांकि विवाद बढ़ता देख शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने बयान को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेरी जुबान फिसल गई थी, मैं मौलाना आजाद कहना चाहता था लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना निकल गया। अंग्रेजी में वर्ड एक्सप्रेशन होता है स्लिप ऑफ टंग, हिंदी में होता है धारा प्रवाह जो आप बोलते हैं तो कभी कभी एक भूल चूक हो जाती है, कभी कभी यानी आपके शब्दों में जुबान कभी फिसल जाती है। यही हुआ जब मैं कह रहा था आपके कांग्रेस पार्टी की बातें बता रहा था कि ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, ये सही मायनों में देशभक्तों और देश प्रेमियों की पार्टी है, ये पार्टी है महात्मा गांधी की जवाहरलाल नेहरू की और मैं कहना चाह रहा था मौलाना आजाद लेकिन मेरी जुबान से निकला मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त, जो आप चाहें तो चेक कर लें लेकिन मैं कहना चाह रहा था जो अभी भी कह रहा हूं मौलाना आजाद उनकी पार्टी है, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की पार्टी है, ये राजीव गांधी राहुल गांधी नेता ये सुभाष चंद्र बोस जैसे कितने बड़े बड़े दिग्गज वेटरन्स रह चुके हैं भारतीय, मैं उस संदर्भ में कह रहा था। अब मेरे खिलाफ और कुछ नहीं है तो कुछ लोगों ने कुछ चैनल खासकर जो राग दरबारी गाते हैं सरकारी माइंडसेट के हैं वो राग दरबारी के चक्कर में उन्होंने कहा चलो यहां पकड़ो पर उतने आसानी से पकड़ा में नहीं आए। शत्रुघ्न सिन्हा ने बयान दिया और सफाई भी लेकिन वो ये भूल गए कि मौसम चुनावी है और इस मौसम में कोई भी बात तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि विरोधी उसे मुद्दा न बना ले। इस मामले में भी यही हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और शत्रुघ्न सिन्हा समेत कांग्रेस पर भी हमला बोल दिया। कांग्रेस के नेता कल बयान दिए कि जिन्ना ने देश की आजादी और विकास में योगदान है, इन और जिन्ना याद आ रहा इन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अम्बेडकर जी भगवान बिरसा मुंडा सिंधु कानू गुरु भगत याद नहीं आ रहा, इन्हें लाल बहादुर शास्त्री याद नहीं आ रहा, इन्हें याद आ रहा कि देश की आजादी और देश के विकास में जिन्ना का बहुत बड़ा योगदान। तो ऐसे कांग्रेसी जो हमारे देश की सेना जो पुलवामा घटना में सर्जिकल स्ट्राइक में जो पाकिस्तान में घुसकर माननीय प्रधानमंत्री ने आदेश दिया चुन चुन कर मारो उस सेना पर भी कांग्रेसी लोग प्रश्न उठा रहा है। पूरे मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बयान आया शत्रुघ्न सिन्हा के ही सहयोगी और दिग्गज कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का, जिन्होंने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया और एक कदम आगे जाकर ये तक कह दिया कि सिन्हा पहले बीजेपी में थे इसलिए मामले में बीजेपी को सफाई देनी चाहिए। बता दें शत्रुघ्न सिन्हा हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस ने उन्हें पटना साहिब से ही लोकसभा का टिकट दिया। सिन्हा अभी तक इसी सीट से बीजेपी के सांसद रही हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का मुकाबला बीजेपी के रविशंकर प्रसाद से है। इलेक्शन डेस्क टोटल न्यूज। अब बढ़ते हैं आगे। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आते ही टॉपर बच्चों के चेहरों पर खुशी की लहर है। फतेहपुर जिले के मां सरस्वती इंटर कॉलेज की इंटर टॉपर दीक्षा अग्रही के 469 मार्क्स आए हैं
और उन्हें 5वां स्थान मिला है। वहीं दीक्षा के टॉप करने पर स्कूल में भी जश्न का माहौल है। शिक्षक ढोल और ताशे बजाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। कहाँ पड़ता है रोज को फतेहपुर जिले के ओंग थाना क्षेत्र के दुर्गानगर एनएच 2 किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में 6 दिन पहले एक युवक का शव मिला था, जिसको पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया गया। वहीं 6 दिन बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं एसपी ने मामले में जांच का आश्वासन दिया है। मृतक नीरज सिंह के भाई ने ही ओंग थाना क्षेत्र में हुई दुर्घटना के बारे में ओंग थाने पर एक्सीडेंट का अभियोग दर्ज कराया था। पुलिस द्वारा अभियोग दर्ज करके मृतक का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया है और विवेचना की जा रही है। आज उनके परिजन आए थे, उनकी शिकायतों का भी संज्ञान लेकर के जांच कराया जा रहा है। जिस तरह के साक्ष्य पाए जाएंगे कार्रवाई की जाएगी। क्यों, क्या वजह थी? 14 तारीख पति ने आपके क्या गाली गलौज किया था, इसी वजह से उनकी हत्या कर दी गई क्या? तो बबलू ने कहा था 4 दिन के बाद तुमको देख लूंगा। गाली गलौज उन्होंने किया था क्या? हाँ, बबलू ने गाली गलौज किया था। उसने